हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। और दोस्तों कुछ नहीं, जैसे कि मैंने सुबह शूट किया था छोटी मोटा सा व्लॉग कि मैं सफाई फाई कर रही थी। उसके बाद दोस्तों मेरी मम्मी से बात हुई थी और आज घर में मेरे मायके में बहुत बहुत बड़ी मतलब विपदा आने से बच गई। और वो सिर्फ माता रानी के कारण ही हुआ है कि उन्होंने अपनी तो हानि कराई है लेकिन मतलब घर वालों को कुछ भी नहीं हुआ। एक्चुअली दोस्तों हुआ ये है कि बैठ के बात करती हूँ आपसे, क्योंकि ना जब से मैंने ये सब सुना है ना मेरे पैर थोड़े से जैसे कि मुझे हो जाता है, मुझे एनजाइटी की प्रॉब्लम है। अगर मैं कुछ ऐसा सुन लूँ तो मुझे घबराहट, पैर कांपना, ये सारी चीज़ें हो जाता है। तो एक्चुअली हुआ क्या है कि मेरी मम्मी से बात हुई थी। मैं रोज़ है मम्मी का कि 10:15, 10:10 पे जैसे राहुल जाते हैं तो मैं उनको कॉल कर लेती हूँ या उनका फ़ोन आ जाता है। तो मम्मी का फ़ोन आया तो मैं लाइट आने रही थी, इतना साफ़ सफाई कर रही थी, कुछ कुछ इधर उधर कर रही थी। तो मम्मी से बात हुई तो मम्मी ने कहा घर में मैं बाबा को खाना खिला देते हैं, फिर हम तुमको, मम्मी का फिर टाइम है 1 बजे के आसपास का फ़ोन करने का जब वो अपने सारे काम ख़त्म कर लेती हैं। हमने कहा ठीक है मम्मी, मुझे को भी काम है और 12 बजे हनु को भी लेने जाना है, थोड़ी बहुत साफ़ सफाई कर लेते हैं फिर हनु को लेने जाएंगे। तो दोस्तों फिर उसके बाद मम्मी का फ़ोन नहीं आया तो मैं भी अपने काम में लग गई। हेलो कर दो अब मम्मी। हाँ कुछ बोल रहा हूँ, बोलो, मैं बहुत ज़रूरी बात कर रही हूँ। हाँ ठीक है, जाओ थोड़ा खेल के आओ बाहर। तो दोस्तों हुआ कुछ ऐसा कि मम्मी का फिर फ़ोन आया मेरे पास 1:30 बजे के आसपास और दादी ने फ़ोन किया। तो मैंने कहा हाँ दद्दू से मेरी बहुत दिन से बात नहीं हुई, तो हमने कहा हाँ दद्दू कैसी, तो वो बहुत इमोशनल हो गई और बोली गरिमा बहुत बड़ा वो हो गया, मुझे बहुत तेज़ घबराहट। मैं तो हुआ क्या है पहले ये बताओ, कहने रही आज बहुत बड़ा नुकसान हो गया ऐसे करके बोली। तो मैंने कहा कि क्या हो गया दद्दू, तो बोली कि आज पूरा मंदिर जल गया। एक्चुअली हुआ ये था कि मम्मी तो सुबह ही पूजा कर लेती है, मम्मी 6:30 बजे मतलब उनकी पूजा वूजा हो जाती है। दद्दू जो होते हैं वो अपना आराम से 9, 9:30 बजे नहाती, क्योंकि बूढ़े बाड़े लोग हैं, ठंडा रहता है मौसम, तो वो अपना आराम से नहाती हैं 9:30 तक और फिर उनकी 10 बजे तक पूजा होती है। और पूजा वाले दिए से पूरे मंदिर में आग लग गई। हुआ यूँ दोस्तों कि आपने अगर मेरा मैके वाला, मैंने बहुत बार अपना घर दिखाया है, ऐसे 3 अलमारियाँ हैं तो बीच वाले में मंदिर बना है, ऊपर हम लोग की आज भी मम्मी कुछ कॉपी किताब हम लोग की हैं जो रखी हैं, मैंने बेचने से मना किया था तो मेरी बुक्स वगैरह मम्मी ने आज भी रख रखी है, वो रखा था। और जितनी पूजा का जो किताबें होती हैं ना वो रखी थी, मम्मी की चूड़ी के डिब्बे रखे थे, सारा मतलब जलने वाला आइटम रखा था, तो ये सारी चीज़ें सब रखी हुई थी। तो हुआ ये कि मतलब ये कहिए पूरा मंदिर जल के खाक हो गया। हमारे यहाँ माता रानी की जो वैसी भी हैं जो मिट्टी की होती हैं और पीतल की भी हैं, और वो दोस्तों आज 2500 साल से जब से मतलब हम लोग यहाँ ये 25 साल हो गए होंगे लगभग वो, और जिनमें से जो कितने सारे ऐसे भगवान थे जो मैं खुद अपनी दादी के साथ जाके लाई हूँ, तो ऑब्वियसली एक अटैचमेंट एक ही है। जब तक मेरी शादी हुई थी ना दोस्तों मैं ही सब कुछ देख रेख करती थी, और अभी भी जब पेपर वेपर उसका वो ख़राब हो जाता है ना तो मम्मी हाँ गरिमा आई उसको चेंज कर देना। तो आज यार मैंने वीडियो कॉल तुरंत करी, मैंने सब देखा, पूरा सब कुछ काला हो गया था, लेकिन माता रानी ने इतनी रक्षा करी ना दोस्तों कि फिर जैसे ऊपर आग पहुँच ही रही थी अपने आप आग बुझ गई, अपने आप दोस्तों आग बुझ गई। एवरीवन, आज बनाए खीरे का रायता, मस्त गोभी आलू की सब्जी जो कि जन्ना को बिना टमाटर की पसंद है, और यहाँ पे दाल, और चला के दिखाती हूँ वरना आपको लगेगा गरिमा पतली दाल बनाती है, ऐसा नहीं है। तो और यहाँ पे चावल बन गया है, मैं जा रही हूँ रोटी सेकने, तो मिलते हैं आपको प्लेटिंग के साथ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब, स्वागत है आपका अनु एंड द फैमिली में। सो दोस्तों शाम का टाइम है, आज बृहस्पतिवार का दिन है और सुबह से बहुत हेक्टिक शेड्यूल हो गया है क्योंकि कल है धनतेरस और अभी मेरा किचन साफ़ नहीं हुआ है, बाकी मैंने सारे कमरे साफ़ कर लिए हैं, तो किचन मैं कल सुबह साफ़ करूँगी सबसे लास्ट में। तो इतना सारा काम कर करके और कपड़े वगैरह धो धो के ना मेरा हाल बुरा हो गया है, मे भी आपको लग रहा हो देख के। तो शाम के समय 8 बज रहे हैं, जन्ना 6:30 के बाद आए ऑफिस से और फिर बोले कुछ खाओगी तो बाहर से ले आए, तो हमने कहा नहीं बना लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तुमने आज बहुत काम किया है। तो एक्चुअली बात ऐसी हुई है कि मैंने घर में बनाया है मंचूरियन, आप देख सकते हो बहुत टेस्टी बनाया, मैं टेस्ट करके देख लिया है, और जन्ना बाहर से ले आए हैं फ्राई राइस और चाउमीन, तो बोले कि इसका कॉम्बिनेशन अच्छा रहेगा इसलिए। तो आज हम लोग डिनर में ये फ्राई राइस, चाउमीन और घर में बना हुआ मंचूरियन खाएंगे। तो मैं आपको भी दिखाती हूँ कि जन्ना ने मुझे कितना पैम्पर किया है कि मैंने आज इतना सारा काम किया ना। तो शाम देखो आपसे बात करते हुए मुझे
लग रहा है। एनीवेज दोस्तों, ये तो भाई राजकाज है, करना ही पड़ेगा। चलते हैं मंचूरियन को जन्ना के लिए लेके चलते हैं, और वहाँ पे भी आपको दिखाते हैं कि जन्ना क्या क्या लेके आए। मेरी तबीयत नहीं ठीक थी तो आप इतना सब कुछ ले आए। तो जन्ना यहाँ लेके आए चाउमीन, पनीर चाउमीन लाए जन्ना जी। अच्छा, और यहाँ लाए हैं राइस, और दोनों चीज़ एक सेकेंड। तो यहाँ पे आया है ये राइस और आई है चाउमीन। मैंने मंचूरियन तो घर में बनाया है, और दोनों चीज़ हनु के अकॉर्डिंग आई है, क्योंकि हनु तीखा नहीं खाते। हनु हेलो कर दो सबसे, तीखा नहीं खाता ना मेरा हनु। तो जन्ना इसको निकालेंगे और मैं सब लेके आऊँगी। यहाँ मैं आपको दिखा दूँगी, देखिए मैंने सारा कुछ धो के लगा दिया है, मेरी सफाई ऑलमोस्ट डन है। और ये जन्ना ने कल साफ़ किया था हनु की गन वगैरह, और हनु के बाकी टॉय भी आप देख सकते हो। बाकी हनु का ये सारा सामान लगा हुआ, मेरे घर की सारी अनमारी ना हनु के लिए सब हैं। देखिए हनु के इतने सारे टॉय, ये सब मैंने सब वॉश करे हैं, सारे कुछ वॉश किया है। और ये तो मेरा डेकोरेशन है, तो आप देख सकते हो मेरी ज़्यादातर सफाई हो गई है। हनु अपने हाथ से चाउमीन खा रहे हैं, जन्ना यहाँ निकाल रहे हैं, और वो मेरा मंचूरियन। जन्ना कैसा बनाया देखने में? रेस्टोरेंट फेल है जन्ना, आपके चाउमीन और से आप लिए कोई कह नहीं सकता कि घर में बनाया हुआ है। ठेला खुलवा दे जन्ना कह रही है कि ठेला खुलवा दे, कैसी बातें करते हैं आप। अनु को हंसी आ रही है इस बात से। तो जन्ना आप